शारदीय नवरात्र उत्सव प्रारंभ होण्यास अवघा काही अवधी शिल्लक राहिला असून इथून पुढे नवरात्रीचे 9 दिवस एकच उत्साह नव चैतन्य आणि भक्तिमय वातावरणाने सर्वत्र नवी ऊर्जा संचारणार आहे। दुर्गा उत्सवाच्या निमित्ताने देवीची मूर्ती घडवणारे मूर्तीकार आपल्या कामात तल्लीन झाले असून या कलाकारांकरवी या दुर्गा मूर्तींवर शेवटचा हात फिरवला जात आहे। अशातच नागपुरात खास कलकत्ता वरून आलेले कलाकार गेले 2 दशकाहून अधिक काळापासून दुर्गा मूर्ती घडवत आहे। त्यांनी घडवलेल्या या दुर्गा मूर्तींना विशेष मागणी असून या मूर्तीच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारी माती 1000+ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बंगाल येथून वाहणाऱ्या गंगा नदीच्या गाळापासून तयार करण्यात आल्या आहेत। या दुर्गा मूर्तीच्या निर्मितीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून। हम कोलकाता से आ रहा है पूजा का 4 महीने पहले। यहाँ आके दुर्गा गणपति विश्वकर्मा काली लक्ष्मी सरस्वती सब बनाता है। दीपावली का बाद घर चला जाता है। बड़ो बड़ो क्लब का बंगाली मूर्ति भी बनाता है और बंगाली भी मूर्ति बनाता है। हमारा यहाँ अभी 27 ईयर चल रहा है। मूर्ति बनाने चाहिए, बहुत कुछ सामान लगता है, सब कोलकाता से लेके आता है। यहाँ का खाली तानस घास और बाम्बू यहाँ से लेता है। मिट्टी भी कोलकाता से लेके आता है। ये मूर्ति तैयारी करने का लेंडी खाना का मिट्टी चाहिए। ये मूर्ति का परम्परा पौराणिक युग से हो सकता है, अभी तक चल रहा है। जिंदगी में जितना दिन रहेगा उतना ही चलेगा। पहले से क्या होता है, पहले से ट्रक्चर बनता है, बोली बम्बू का देके किला देके आगे पटरा बनाने तो उसका बाद मूर्ति खड़ा होता है। ये कोलकाता गंगा नदी का मिट्टी, ये ट्रांसपोर्ट में ट्रक से आता है। अभी बंगाली और बंगाली लेके 35 मूर्ति बनाया, 35। ये मूर्ति बहुत दूर दूर जाता है, वार्दा, तारपर सिवनी, तारपर आकोला, बुधमाल, आरबी सब जगह में जाता है। नागपुर तो है ही, बहुत किस्म का सा जाता है, सब कोलकाता से आता है। कोई सिल्वर होता है, कोई गोल्डन होता है, कोई सुला का होता है, कोई तार का मुकुट होता है। काही किरकोळ साहित्य वगळता मूर्तीच्या निर्मितीसाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य हे खास बंगालवरून आणल्या जातं। या बंगाली कलाकारांनी घडवलेल्या मूर्तींना विदर्भासह लगतच्या राज्यांमध्ये देखील मोठी मागणी आहे। नागपूरहून विशाल देवकर, न्यूज 18 मराठी।